कक्षा 11 व्यवसायिक अध्याय ध्यान दीजिए। कल आप लोगों को एक व्यवसायिक अध्याय में कक्षा 11 में बताया गया था, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार पर बताए गए थे। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार बताए गए थे, ध्यान से सुनिए, बार बार बताए जा चुके हैं, लेकिन इसको क्या है नोट करना है, रखना है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार व्यवसाय अध्ययन में तीन होते हैं, व्यवसाय दूसरी आर्थिक क्रिया है, पेशा तीसरा है, रोजगार। इनकी थोड़ा थोड़ा अर्थ समझिए और फिर इनकी विशेषताएं बताई जाएंगी, दो तीन तीन चार चार, और फिर इनकी क्या हर पर बताया जाएगा। मैं कल भी बता रहा था, कल के मतलब लास्ट वीडियो में व्यवसाय अध्ययन में व्यवसाय का अध्ययन करना है, पूरी पुस्तक आपकी 99% चलेगी, काहे में व्यवसाय। अब चूंकि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार पैसा भी है, रोजगार भी है, तो इसका अर्थ जानना विशेषता एक दूसरे में अंतर, इसके बाद इनका अध्ययन क्या हो जाएगा, खत्म चलेगा असली व्यवसाय का। अब कहेंगे व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया का रूप है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की, जो आर्थिक क्रिया की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आर्थिक क्रिया की जाती है उसे व्यवसाय कहते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो आर्थिक क्रिया की जाती है उसे लाभ कहते हैं। अब यह है कि व्यवसाय है, व्यवसाय की विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा उसको समझना है। अच्छा, तो व्यवसाय की कुछ विशेषताएं हैं, उसको समझिए। व्यवसाय की अब चले निकाय में व्यवसाय अध्ययन चल रहा है, अच्छा जा रहा है, इसमें व्यवसाय की क्या क्या विशेषताएं हैं वो समझना, सबसे पहले इसमें सबसे जो किसी में पाया जाता है साहस पर पाया जाता है, नंबर दो आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया है,
ये विशेषता तो बीसों है, लेकिन जो मुख्य विशेषताएं हैं आपको इसमें, मुख्य विशेषताएं कितनी है? व्यवसाय की विशेषता चल रही है, तो बहुत सी चीजें, लेकिन पांच विशेषता देखिए। व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें साहस तत्व पाया जाता है। अब कहेंगे साहस तत्व क्या है? व्यवसाय में पूंजी लगती है, पूंजी के बिना व्यवसाय नहीं चलता। चाहे जिस स्तर का व्यवसाय होगा, छोटा व्यवसाय कम पूंजी, मध्यम व्यवसाय थोड़ा ज्यादा पूंजी, बड़ा व्यवसाय बहुत अधिक पूंजी, तो लोगों के पास धन जरूर रहता है, तिजोरी में रखे रहते हैं, गाड़ी रहते हैं, बैंक में डिपॉजिट किए रहते हैं, लेकिन व्यवसाय में नहीं लगाते, हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे डरते रहते हैं कि कहीं क्या है, यहां कम से कम यदि हम कहते हैं 5 लाख घर में रखा, तिजोरी, कम से कम 5 लाख सुरक्षित तो है, बैंक में डाल दिए, थोड़ा बहुत बचत बैंक में कुछ ब्याज भी मिल जाती है। अब व्यवसाय करने में डरते हैं कि कहीं, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम पाई जाती है, हानि की संभावना पाई जाती है, तो व्यवसाय एक तरह से खतरों का खेल है, तो खतरा वही मोल लेता है जो साहसी होता है। तो व्यवसाय में साहस तत्व पाया जाता है, पूंजी फंसानी पड़ती है, पूंजी लगा दिए, अच्छी दुकान खोल लिए, अच्छा कोई फैक्ट्री डाल लिए, अब पता चला कि जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं उस चीज की बिक्री कम है, बारी लग शुरुआत में लागत अधिक आ रही है, लाभ कम मिल रहा है, ये तमाम सब चीजें सोच के, जिनके पास धन भी है तो क्या है, धन की असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास नहीं है, जिनके पास है वो भी धन लगाने में डरते रहते हैं, और जो डरेगा नहीं वो व्यवसाय में धन लगाएगा, इसीलिए उद्यमी को जो व्यवसाय करता है उसे साहसी कहते हैं। जो व्यवसायी होता है उसे क्या कहा जाता है? साहसी। अच्छा, दूसरा है आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया माने लेना देना, रुपए की अदला बदली चलती रहती है, रुपए दे वो क्रय विक्रय का काम, क्रय करेंगे तो रुपया देंगे, विक्रय करेंगे तो रुपया आएगा, आर्थिक क्रिया माने नगद लेन देन, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार भी आता है, व्यापार का आगे बताया जाएगा, वो व्यवसाय का एक प्रकार है, प्रक्रिया है व्यापार, उद्योग लगाए हैं तो उसमें कच्चा माल लगेगा, वो उनका भुगतान करेंगे, फिर वो निर्मित करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया जब पूरी तरह संपन्न, उसको बेचेंगे तो अपने पास क्या है, पैसा आएगा बेचने से, या रेवेन्यू आएगी, उस रेवेन्यू को क्या है, सबका हिस्सा दिया जाता है, जितने लोग उत्पादन में किए हैं, इसके बाद जो बचेगा पानी में शायद आर्थिक चक्र चलता रहता, पहले रुपया लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, माल का निर्माण करेंगे, निर्माण नहीं कर रहे तो वस्तुओं को क्रय करेंगे, लेन करेंगे, इसके बाद उसका देन करेंगे, बेचेंगे तो फिर पैसा आएगा, माने एक चक्र चलता रहता है आर्थिक क्रिया का। तीसरी बात, व्यवसाय का जो प्रथम उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो रहता है लाभ कमाना। और भी जो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है उनका जो मुख्य उद्देश्य रहता है, लाभ बाद में रहता है, वो गए तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना है।
आपके घर में कोई शॉप दुकान खुली है, यदि आपके परिवार वाले लेने आते हैं तो उनको सस्ते में ना देंगे, फ्री में ना देंगे, पैसा लेके ही देंगे, और थोड़ा बहुत क्या है लाभ में कमी कर देंगे, लेकिन लाभ कुछ ना कुछ लेंगे, चाहे कोई भी सामान। इस प्रकार व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य, लक्ष्य है लाभ, लाभ कमाने के उद्देश्य ही व्यवसाय किया जाता है। चौथी विशेषता है, इसमें जो प्रतिफल रहता है व्यवसाय के बदले जो मिलता है, साहस को पूंजी लगाता है, प्रतिफल के रूप में लाभ मिलता है, प्रतिफल का नाम लाभ भी है, माने अंतर्मुखी आ जाएगा कि व्यवसाय में करने से जो व्यवसाय का आर्थिक क्रिया करते हैं उसका प्रतिफल परिणाम क्या मिलता है, काम करने के बदले उसको लाभ कहते हैं। लेकिन व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रतिफल लाभ निश्चित नहीं रहता, कि आपने 1,00,000 लगाया है तो आपको उससे 10% लाभ जोड़ लेगी, तो आपको 1,00,000 लगाए हैं तो 1,10,000 आपको मिलना, ऐसा नहीं है, अनिश्चित है, 1,20,000 भी हो सकता है, पता चला कि लाभ है ना हुआ, अंत में चले गए। तो इस प्रकार की उसका बन सकता जोखिम तत्व पाया जाता है, जोखिम तत्व यही है लाभ ना हो, भाई एक तो साहस, बड़ी साहस करके लगाया, पूंजी लगाया डर के, घर में रखा था तिजोरी में, बैंक से कर्जा लिया, साहूकारों से लिया, दोस्तों से लिया, लगाया साहस किया, लेकिन उससे साहस के बदले हिम्मत तो जुटाया, अब उसको उसका लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है अनिश्चित। ये भी हो सकता है किन्हीं दशाओं में कि मिलवे न करे, अगली बात समझिए भी हो सकता है। तो व्यवसाय में भी क्या कहते जोखिम तत्व पाया जाता है, जोखिम क्या कहलाता है, यही कि जो वहां हम काम कर रहे हैं जिस उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से कर रहे हैं, न मिले। अच्छा, पांचवी विशेषता है, व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है, क्रय विक्रय का काम होता है, तो उसके लिए क्या है, कुछ कानूनों का पालन करना पड़ता है, सरकार को उचित टैक्स देना, समय पर देना, कुछ वस्तुओं के विक्रय पर, निर्माण पर सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति कहलाती है लाइसेंस, लाइसेंस के लिए फीस देना पड़ता है, कोई उद्योग लगा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, साझेदारी, जैसे व्यवसायों के प्रकार आगे मिलेंगे, साझेदारी का भी उसका पंजीयन कराना पड़ेगा, पंजीयन का शुल्क लगती है, कंपनी खोल रहे हैं उसका कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है, बिना पंजीयन के शासन से अनुमति के कंपनी नहीं चला सकते, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, कंपनी भी व्यवसाय का प्रकार है। तो जो शासन के आदेश हैं, निर्देश हैं, उनका क्या है व्यवसाय में पालन किया जाता है, नहीं तो शासन उसमें सरकार छापा डालती है, आपको जेल भी मिल सकती है। तो इसमें व्यवसाय में वैधानिक तत्व का, वैधानिक नियमों का, शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका व्यवसाय अवैध कहला जाएगा, आपको सजा दिलवाना हो सकती है। तो जो शासन के नियम कानून है उनका पालन करना जरूरी है, लाइसेंस लीजिए, और जिस चीज का व्यवसाय जाहिर के लिए, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए व्यवसाय आप चला रहे हैं, कर रहे हैं, उसको करें, उचित उसके टैक्स का भुगतान करें, अरे ये बात समझ में। और कर दें, समय समय पर सरकार कर लेती है, कर आपको स्वयं के भविष्य तो सरकार कर लगाती है, लेकिन अपने हमने कितना बेचा, कितना क्या किया, तरह तरह के टैक्स लगते हैं, उन टैक्सों का भुगतान स्वेच्छा से करें,
और ना करेंगे तो सरकार छापा डालती है। आप दोनों घर बिक्री कर रहे हैं, वो दो चला रहे हैं। अभी आपको बता दे बच्चों, जानते ना हो गए, समाचार पत्रों में भी आया था 10 दिन पहले, अपने यहां व्यवसाय है उद्योग है केजीएस सीमेंट है, तो ये सरकार क्या है कुछ करो को मिलाकर, अभी कक्षा 11 के विद्यार्थी हो अभी न जानोगे लेकिन जान लो, करो एक जीएसटी है। अभी तुम आप वही खाता पढ़ेंगे उसमें जीएसटी पढ़ेंगे। तो अभी एक फर्म ने क्या है, उत्पादन तो होता रहा, बिक्री होती रही, उत्पादन बिक्री खूब किया, और ऐसा अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने आयकर विभाग को मान लगाया कि जिस हिसाब से उत्पादन चल रहा है उस हिसाब से टैक्स की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो सरकार ने छापा डाला, कितने करोड़ों रुपए की कर की चोरी है, फिर क्या है जेल में डाल देते। भाई आप अपना हिस्सा कमाइए लेकिन शासन को जो हिस्सा है उसका भुगतान करिए। इसके बाद चलते हैं पैसे में। अच्छा अब व्यवसाय चल रहा है तो विशेषताएं हो गई, जो समझ में ना आए तो कौन से आप पूछ सकते हैं। अब व्यवसाय का थोड़ा सा महत्व चले इसके बाद, क्योंकि व्यवसाय चैप्टर थोड़ा ज्यादा इसमें आपके व्यवसाय का थोड़ा ज्यादा है। व्यवसाय का महत्व या व्यवसाय से लाभ, ये व्यवसाय का महत्व है, आपका व्यवसाय के लाभ हैं, थोड़ा समझिए इनको। व्यवसाय से राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति किसको होती है, सरकार को होती है। तरह तरह के करों का भुगतान करना पड़ता है, कोई उद्योग लगाया है कई प्रशासन से फीस देगा,
उत्पादन कर देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, तरह तरह के कर। राजस्व प्राप्ति किसको होती है, राजस्व लगाने का अधिकार किसको है, चाहे कैसे करों की प्राप्ति, विभिन्न प्रकार के करों की प्राप्ति होती है। यदि व्यवसाय होंगे, व्यवसाय के अंदर उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य सब आता है, देशी व्यापार विदेशी व्यापार सब आता है। यदि व्यवसाय कम है, व्यवसाय की प्रगति नहीं है, धीमी है, तो सरकार को कर के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है वो न होगा। तो जितने अधिक व्यवसाय बढ़े रहेंगे, जितने अधिक धंधे बढ़ेंगे, जितने अधिक उद्योग बढ़ेंगे, सरकार को आय की प्राप्ति होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है। राजस्व माने क्या होता है, गर्मियों रोजगार वृद्धि में सहायता। वैसे भी विश्व के हर देश में बेरोजगारी है, कोई भी देश पूर्ण रोजगार की दशा में नहीं है। यह है कि किस किन किन देशों में संपन्नता है, अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बेरोजगारी की दर अधिक है। व्यवसाय बढ़ने से, व्यवसाय स्थापित होने से, उद्योग स्थापित होने से, कल कारखाने स्थापित होने से लोगों को रोजगार मिलता है। लोग बेरोजगार नहीं रहते, बेरोजगारी से बड़ा नुकसान होता है, उससे लोगों की मानसिक दशा बिगड़ती है, लोग चोरी डकैती तमाम दुनिया भर के नंबर दो के काम करते हैं। व्यवसाय बढ़ने से, व्यवसाय को करेगा कौन, लोग और कुछ लोग रखेंगे। जैसे कहीं कोई फैक्ट्री लग रही है, कारखाना लग रहा है, उद्योग लग रहा है, अकेले तो पूंजीपति साहसी खुद करेगा नहीं, उसके लिए तरह तरह के हर विभाग में कर्मचारी रखने पड़ते हैं, तो लोगों को रोजगार मिला तो बेहतर भी। अच्छा, इसके बाद क्या है, रोजगार में वृद्धि तो हो गई, जो लोग रोजगार में लगे हैं, रोजगार भी कई तरह से होते हैं। रोजगार में वृद्धि हुई तो रोजगार दो तरह से होता, प्रत्यक्ष रोजगार जो काम में लगे हैं, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रोजगार। अप्रत्यक्ष रोजगार कहेंगे कैसे, भाई जहां कोई कल कारखाना लगा है वहां लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं से आएंगे या कि वहीं रह रहे हैं।